so in this segment we are going to talk about the determinants of asset demand so हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल एसेट्स को डिमांड करते हैं हम उनको खरीदना चाहते हैं हम उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमने अगर ये फैसला करना है कि मैं एक सर्टन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फाइनेंशियल एसेट है उसको मैं बाय करूं या ना करूं अगर मैंने बाय किया हुआ है तो उसको अभी मैं बेच दूं ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं इफ़ वी वांट टू नो दैट इन सिंपल वर्ड्स इफ़ वी वॉन्ट टू नो कि डिमांड ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के कौन से डिटर्मिनेट्स हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड फॉर एसेट्स को इन्फ्लूंस करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं देख सकते हैं कि चार अहम फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें सबसे पहला और अहम जो फैक्टर है दैट इज़ वेल्थ तो वेल्थ को हम डिफाइन कैसे करेंगे इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स दैट आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल या किसी कॉरपोरेशन के पास या फर्म के पास जो तमाम तरह के रिसोर्सेज हैं उनका कॉम्बिनेशन उसका वेल्थ है सो so, किसी भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उसके पास जितने भी रिसोर्स हैं दैट कैन बी हिज प्रॉपर्टी उसका घर उसके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं उसके पास अगर कोई प्राइस बॉन्ड्स हैं ये तमाम चीज़ें जमा करके जो हमारे पास सम आएगा दैट इज़ डिफाइंड एज वेल्थ अब इसका हम रिलेशनशिप अगर कनेक्ट करें इसको डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट से तो ऑब्वियस ही बात है कि जिसके पास ज्यादा वेल्थ होगा वो ज्यादा डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट्स करेगा तो वेल्थ हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद डिमांड फॉर एसेट्स सो इफ द वेल्थ इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट्स ऑल्सो गोज अप द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न सो इफ यू थिंक कि किसी फाइनेंशियल एसेट को में इन्वेस्ट करने से जो इसकी फ्यूचर में मुझे रिटर्न मिलने वाली है वो हाई होगी तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्यूचर में लो है तो नेचुरली आप उसको कंपेयर करते हैं फिर इंटरेस्ट रेट से और ऐसे के सिचुएशन में इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप डिमांड नहीं करते उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक्सपेक्टेड रिटर्न होती क्या है इट इज़ इफ इफ वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल रिटर्न तो आप अगर नेक्स्ट टाइम पीरियड में एक्सपेक्ट कर रहे हो के किसी भी फाइनेंशियल आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट बाय किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई भी आपने सिक्योरिटी लिया है कोई बॉन्ड लिया हुआ है उसके ऊपर आपको वक्त के हर एक टाइम पीरियड सर्टन टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर फ्लक्चुएशन आते हैं उसका फेस वैल्यू तो ज़ाहिर है फिक्स रहता है मगर उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज कर सकता है डिक्रीज़ कर सकता है उसको कंसिडर करके आप अपना एक्सपेक्टेड प्राइस लगाते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो फ्यूचर की एक साल गुजर जाने के बाद या दो साल के गुजर जाने के बाद या छः माह के गुजर जाने के बाद उसकी जो मुझे कीमत मिलेगी उसमें इजाफा होने वाला है एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई होगा या लो होगा ये भी आपके डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट को इन्फ्लुएंस करती है सो so, हमने देखा कि जो रिलेशनशिप है दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव इन दिस केस एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट और फैक्टर और डिटरमिनेंट दैट इन्फ्लुएंसेस इज द डिमांड ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट आप कहते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट किसी को करने के लिए उसके साथ जो एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आप यू नॉट श्योर कि आपको जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अभी सिक्स परसेंट है एट परसेंट है टू परसेंट है वो इतना ही रहने वाला है फ्यूचर में या हो सकता है कि कंपनी के हालात अच्छे हो जाएं, इससे भी ज़्यादा जितने अभी हैं तो ऐसे के सिचुएशन में देर में भी आ पॉसिबिलिटी कि आपको जो रिटर्न है फ्यूचर में वो हाई मिले और इसका अदरवाइज भी हो सकता है तो दिस काजेज अनसर्टेनिटी तो जितना भी किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ हाई रिस्क अटैच्ड होगा उतना ही आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिमांड कम करेंगे क्योंकि वी नो दैट देर आर पीपल जिनको अगर हम रिस्क की बेसिस पे कैटेगराइज करें तो हम लोगों को इंडिविजुअल्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं रिस्क की बेसिस पे पीपल कैन बी रिस्क वर्स पीपल कैन बी रिस्क न्यूट्रल्स एंड पीपल कैन बी रिस्क लवर्स रिस्क लवर्स आर दोज इंडिविजुअल्स हु लाइक टू टेक रिस्क जो कि इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जिसके साथ हायर रिस्क अटैच है क्योंकि जब वो हाई रिस्क लेंगे तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दे आर टेकिंग अ चांस कि उनको रिटर्न हाई मिलेगी तो इसमें बट व्हेन वी लुक एट द पीपल ऑल अक्रॉस लाइक अराउंड अस जो हमारे इर्द गिर्द इन्वेस्टर्स हैं हम उनसे जब उनकी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग रिस्क अवर्स होते हैं वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते ज़्यादातर सो देर आर फ्यू पीपल हु आर रिस्क लवर्स और इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में जो इंडिविजुअल्स बैठते होंगे बै, बैठ सक, को क्लासीफाई कर सकते हैं आप वो आपके रिस्क न्यूट्रल्स हैं जो कि ना तो जिनको ना तो आप लो रिस्क वाली कैटेगरी में डालते हैं रिस्क वर्टर्स हैं ना ही रिस्क टेकर्स हैं या रिस्क लवर्स हैं वो रिस्क न्यूट्रल्स हैं तो हमारे पास ज़्यादातर जो आवाम है वो रिस्क अवर्स होती है तो उससे फिर हम ये डिराइव कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आदमी के पास दो ऑप्शन हैं कि एक ऑप्शन के अंदर उसके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जिसमें रेट ऑफ रिटर्न टेन परसेंट है फ़ॉर एग्जांपल मगर उसमें उसको देर आर नाइन्टी परसेंट चांसेस दैट ही विल गेट दिस टेन परसेंट फाइनेंशियल रिटर्न एंड देन देर इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जाम्पल बी उसका नाम रखा है हमने वहाँ भी टेन परसेंट रिटर्न मिल रही है एक्सपेक्टेड रिटर्न है मगर जो उसके साथ में रिस्क अटैश्ड है दैट इज दैट सेज के टेन परसेंट आपको ये रिटर्न देगी लेकिन इसके चांसेस सिर्फ फोर्टी परसेंट है फर्स्ट केस में द चसेज ऑफ गेटिंग ऑफ टेन परसेंट आर नाइनटी परसेंट तो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जनरली लोग ऑप्शन ए पर जाएंगे जिधर रिटर्न के साथ में अनसर्टेनिटी कम अज कम लगी हुई है रिस्क कम अज कम अटैच है तो लो रिस्क वाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड ज्यादा होगी हाई रिस्क वाली फाइनेंशियल एसेट की या इंस्ट्रूमेंट की डिमांड कम होगी इसी तरह से जो चौथा फैक्टर है हमारा विच इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड फॉर फॉर अ फाइनेंशियल एसेट इज द लिक्विडिटी लिक्विडिटी कहते हैं हम कितना आसानी से आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्राइस बॉन्ड है आपके पैसे ख़त्म हो गए हैं आपको याद नहीं रहा साथ लेके जाने के लिए और आपको बाज़ार से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई आम डे टू डे इस्तेमाल की कोई चीज़ लेने के लिए गए हैं तो आप दुकान वाले को बोलोगे ओहो अभी मेरे पास कैश तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये एक सौ रुपये का प्राइस बॉन्ड है तो देर आर चांसेस के दुकान वाला आपको वो प्राइस बॉन्ड के अगेंस्ट आपकी जो जो भी आपने चीज़ लेनी फॉर एग्जाम्पल ब्रेड चाहिए आपको वो दे देगा तो इसका मतलब है कि वी कैंड से के जो प्राइस बॉन्ड है वो कैश के कैश में कन्वर्ट होने में रेलेटिवली आसान है मगर अगर आप अपना आपके पास खुद का बेरर चेक है उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है कि इसको पे कर दें और वो चेक को आप इसी तरह से किसी दुकान पर ले जाएंगे और उनको बोलेंगे मुझे शॉपिंग करनी है और मेरे पास चेक है मेरे पास कैश नहीं है तो नो बडी इज गोइंग टू गिव यू एनी थिंग दे विल नॉट अलाउ यू टू डू योर शॉपिंग वाई बिकॉज ऑल दो आपके पास एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो जो कि आपको एनटाइटल कर रहा है कि आप जो उसके ऊपर रकम लिखी हुई है वो ले सकते हैं मगर वो इमीजिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती इसका मतलब है जो उसका लिक्विडिटी है वो लो है लेकिन प्राइस बॉन्ड का लिक्विडिटी हाई था कैश का लिक्विडिटी हंड्रेड परसेंट है ठीक है तो वो तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी लिक्विडिटी यानी कि वो इमीजिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं हाई है ऐसे के फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड हाई होती है और जितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनकी लिक्विडिटी लो होगी नेचुरली उनका डिमांड कम होता है तो दीज द फोर की फैक्टर्स दैट डिटर्मिन the demand of a financial asset.